गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, अगेन वेलकम बैक, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे है रांची एक्वेरियम और जस्ट इसके ऑपोजिट में है तितली पार्क। तो हम लोग यहाँ से अभी यहाँ जा रहे हैं, देख लीजिए कि एक्वेरियम वाला ब्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इस ब्लॉग को चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ तितली घर घूमना है आपको, तो इसका टिकट भी यहीं पे मिल रहा है। हमारे पास तो दोनों टिकट था, तो हम दूसरा टिकट यहाँ दिखा करके आ गए। तितली पार्क के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो एंटर करते ही दोनों साइड गार्डन है, फ्लावर्स है, तरह तरह के, बहुत सारे तरह की तितलियाँ यहाँ पे आके रहती हैं, उड़ती रहती हैं, बैठती हैं, पर अभी वो देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो ठंड के मौसम में तितलियाँ अभी कहीं अंदर रहती हैं, मतलब बाहर देखने को नहीं मिलती। और कौन कौन सी तितलियाँ पाई जाती है उन सब के बारे में यहाँ पर है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। अभी तितलियाँ नहीं देखने को मिल रही थी, आप गर्मियों के मौसम में आइए, यहाँ पे तितलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी। तो साइड साइड में ऐसे ऐसे तरह तरह के प्लांट्स हैं ना, जो आम तौर पे देखने को नहीं मिलते हैं। और बीच में यहाँ पे पॉन्ड है और उसके साइड में बीच में एक मतलब नेट जैसा है, उसके अंदर तरह तरह के प्लांट्स और बटरफ्लाइज के बारे में है, तो वो आपको हम लोग दिखाएंगे। ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो आमतौर पर हम लोग नहीं देख सकते, ना देखे होंगे आप लोग कभी, वो अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें देखने को मिला रेड सैंडलवुड। ये प्लांट, अगर ये पेड़ जो भी है आपने पहले देखा है तो कमेंट में बताना, अगर नहीं देखा तो। मैं तो पहली बार देख रही हूँ रेड सैंडलवुड का पेड़, और ये रेड एक्जोरा है। फिर यहाँ पे वाइट सैंडलवुड है, सफ़ेद चंदन का प्लांट। देखो कैसे लोग पत्ते तोड़ रहे हैं, ऐसे पेड़ मुरझा जाएगा, बहुत गलत बात है। फिर यहाँ पे तरह तरह के बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर जाओगे बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा देखने में। यहाँ पे स्टार क्लस्टर है, पेंटॉस उसका प्लांट है। फिर बीच में यहाँ पे बटरफ्लाई बना हुआ था। फिर यहाँ पे देखो सनफ्लावर सन की तरफ घूम करके है, वो भी देखने को मिला। रबड़ का पेड़ आपने पहले कभी देखा है? ये रहा रबड़ का पेड़, मैं पहली बार देख रही हूँ सामने से, ऐसे पिक्चर्स में तो देखा है पर सामने से मैं पहली बार देख रही हूँ। ये चीकू का प्लांट है, बहुत, ये देखो सनफ्लावर है, ये सन की तरफ है, ये देखो घुमा हुआ था ये। तो यहाँ पे फॉक्सटेल पाम ट्री भी है, ये रहा पाम ट्री, आप देखिए पाम ट्री हमने पढ़ा है बहुत जगह पर, सामने से देखा हुआ, किसी ने देखा हो किसी ने नहीं। ये गोल्डन ड्यू ड्रॉप है, ये कामिनी पेड़, कामिनी का प्लांट है, सॉरी पेड़ बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पे ये बड़ा सा बटरफ्लाई बना था, तो फोटोज़ वगैरह लोग क्लिक करा रहे थे। यहाँ पे पिनविल फ्लावर है, टगर चांदनी कहते हैं, फायर बुश है, ये रहे फायर बुश। यहाँ पे आप वन मोमेंट प्लीज़, मैंने भी पढ़ा, आप पढ़िए, यहाँ पे बताया गया है कि तितलियाँ अभी नहीं देखने को मिलेंगी, तितलियाँ ठंड में नहीं दिखती हैं, गर्मियों के सीज़न में दिखती हैं। साइड साइड बहुत तरह तरह के प्लांट्स थे। और यहाँ सामने में आपको कपूर कैम्फर ट्री आपने कभी देखा है? मैं पहली बार देख रही हूँ, ये कैम्फर ट्री है, कपूर का पेड़। फिर ये सहतूत का पेड़ है, ये रहे सहतूत। और इसके जस्ट सामने में देखिए रोज़ गार्डन है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, रेड रोजेस थे। और ये रहा कदम का पेड़, कदम का पेड़ तो जनरली देखने को मिल जाता है, पहले भी मैंने देख रखा है। और यहाँ अनानास भी लगे हुए थे रोज़ गार्डन में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जू घूमने के लिए, और मांझी एक्वेरियम और तितली घर के जस्ट अपोजिट में जू है, तो जू का ब्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं फिर से नहीं डाल रही। अभी जाएंगे जू घूमेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।